नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हिस्ट्री ऑफ आर्किटेक्चर के लेक्चर सीरीज़ में। और आज हमारा लेक्चर सीरीज़ है लेक्चर नंबर 4। इससे पहले हम बात कर चुके हैं अपने प्रीवियस लेक्चर में इंडस वैली सिविलाइजेशन, वैदिक आर्किटेक्चर, बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर के बारे में। तो आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं टेम्पल आर्किटेक्चर सीरीज़। तो टेम्पल आर्किटेक्चर में हम दो टेम्पल आर्किटेक्चर कवर करेंगे, नॉर्थ इंडिया टेम्पल आर्किटेक्चर जो कि नगरा टेम्पल आर्किटेक्चर है, और साउथ इंडिया टेम्पल आर्किटेक्चर जो कि द्रविड़ियन टेम्पल आर्किटेक्चर है। तो इससे पहले अगर आपने हमारी पुरानी वाली वीडियो नहीं देखी है तो आई सेक्शन आई वाले बटन पर जाके, जो कि यहीं कहीं आ रहा होगा, तो आई वाले बटन पर जाके देख लेना वीडियो, और या फिर हमारे प्लेलिस्ट वाले में जाके प्लेलिस्ट चेक कर लेना। तो स्टार्ट करते हैं। टेंपल आर्किटेक्चर, जो इंडिया में टेंपल आर्किटेक्चर बनाने का जो तरीका है वो क्या है? तो नॉर्थ इंडिया में टेंपल जो डिज़ाइन हुए तो उनको नगरा टेंपल आर्किटेक्चर बताया गया, और जो साउथ इंडिया में जिस टाइप से टेंपल डिज़ाइन हुए उनको द्रविड़ियन स्टाइल ऑफ टेंपल आर्किटेक्चर कहा। जब दोनों का मिक्सचर हुआ, नॉर्थ इंडिया टेंपल आर्किटेक्चर और साउथ इंडिया टेंपल आर्किटेक्चर का जब मिश्रण हुआ, दोनों मिक्स हुए, तो एक नई स्टाइल ऑफ टेंपल आर्किटेक्चर डेवलप हुई, तो उसे कहा विसारा टेंपल आर्किटेक्चर। क्योंकि ये नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया के मिक्सचर से बना है, तो इसकी लोकेशन भी नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया के मिक्सचर वाली लोकेशन, जहाँ नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया आपस में मिल रहे हैं, तो उसी लोकेशन पर इनका लोकेशन हुआ। तो कुछ इस टाइप के तीन टेम्पल आर्किटेक्चर जो इंडिया में बहुत ज़्यादा फेमस हैं वो ये है। पहला, नॉर्थ में नगरा टेम्पल आर्किटेक्चर, साउथ में द्रविड़ियन टेम्पल आर्किटेक्चर, और फिर नॉर्थ और साउथ के मिड में जो कि डेक्कन इंडिया आता है, जहाँ पे प्लेट्यूज वाला रीजन है, वो तो विसारा टेम्पल आर्किटेक्चर जो कि मिड इंडिया में पॉपुलर है। तो इस वीडियो में हम सिर्फ बात करने वाले हैं अभी नगरा टेम्पल आर्किटेक्चर के बारे में। तो जो टेम्पल क्या है, टेम्पल जो मंदिर हमारे हिंदू धर्मों के लिए एक वर्शिप प्लेस, जहाँ पे वो अपने भगवान की पूजा कर सकते हैं, तो एक ऐसा वर्शिप प्लेस, पूजा करने का स्थल, उसको टेम्पल कहा गया है। ये डेवलप हुआ वैदिक पीरियड में, मंदिर बनने वैदिक पीरियड से स्टार्ट हुए, क्यों तो एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर बना और हाईली डेकोरेटेड, बहुत ज़्यादा सजावटी ये स्ट्रक्चर उन्होंने डेवलप किया। तो नगरा आर्किटेक्चर ये नॉर्थ इंडिया में डेवलप हुआ, और ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ एंशियंट और मेडिवियल पीरियड में। जब एंशियंट और मेडिवियल पीरियड था तो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुए, तो बहुत ज़्यादा मंदिर टेम्पल इसी प्रिंसिपल पे या फिर इसी स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर पे बेस्ड थे, तो बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्ट हुए। साउथ इंडिया में द्रविड़ियन टेम्पल आर्किटेक्चर फेमस था, नॉर्थ इंडिया में नगरा टेम्पल आर्किटेक्चर फेमस था। और ये स्टार्ट हुआ 3rd सेंचुरी में, गुप्ता डायनेस्टी के टाइम पे। 3rd सेंचुरी गुप्ता डायनेस्टी के टाइम से ये नगरा टेम्पल फेमस हुए। तो कुछ फीचर्स हैं, वही फीचर्स हम डिस्कस करने वाले हैं नगरा टेम्पल आर्किटेक्चर के बारे में। तो जो सबसे पहला पॉइंट है, तो सबसे पहला पॉइंट ये क्या कहता है कि जो नगरा टेम्पल आर्किटेक्चर, नॉर्थ इंडिया में जितने भी टेम्पल बने उनकी कोई कंपाउंड वॉल नहीं थी। कि आउटर में जैसे टेम्पल है, टेम्पल के पूरे कॉम्प्लेक्स को एनक्लोज करने के लिए एक कोई कंपाउंड वॉल नहीं थी, या फिर थी तो बहुत छोटी हाइट की थी, क्योंकि ऐसा साउथ इंडिया टेम्पल आर्किटेक्चर में देखने को नहीं मिलता है। उसके बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं नॉर्थ इंडिया की, तो पहला पॉइंट हमारा यही निकल के आता है कि उनके कंपाउंड वॉल नहीं थी, अगर थी तो बहुत ज़्यादा हाइट की नहीं थी या फिर थी ही नहीं। और जो उनका मेन एंट्रेंस था टेम्पल के लिए वो ईस्ट डायरेक्शन से था। हिंदुओं में ईस्ट डायरेक्शन को काफ़ी अच्छी डायरेक्शन माना जाता है, क्योंकि सनराइज ईस्ट से होता है, तो इसीलिए मंदिर की एंट्रेंस ईस्ट डायरेक्शन से थी। तो ये पहला पॉइंट। अगर दूसरे पॉइंट के लिए, ये एक फिगर है टेम्पल आर्किटेक्चर नॉर्थ स्टाइल की, तो ये इसी टाइप से टेम्पल वहाँ पे डिज़ाइन करते थे। तो सेकंड पॉइंट इसमें ये बहुत मेन है कि पूरा जो टेम्पल था, ये जो पूरा टेम्पल है, कंस्ट्रक्ट है किसी एक प्लिंथ पर। प्लिंथ क्या है? एक प्लेटफॉर्म जो कि ज़मीन से थोड़ी सी हाइट पर बनाया गया है। तो ये हमारा ग्राउंड लेवल है, और ये मंदिर का लेवल हुआ। तो मंदिर के लेवल और ग्राउंड लेवल में एक थोड़ा सा डिफरेंस है, तो वो डिफरेंस, एक अगर हम आर्किटेक्चरल टर्म की बात करें, आपको पता है वो प्लिंथ है। तो ये प्लिंथ हम आर्किटेक्चरल टर्म में बात करते हैं, अगर इसे ही संस्कृत में इसे जगती कहा गया है। तो ये जो रेज्ड प्लेटफॉर्म है, ये वाला प्लेटफॉर्म जहाँ पर एक्चुअल में मंदिर कंस्ट्रक्ट है,
टेम्पल कंस्ट्रक्टेड है जिस भी प्लेटफॉर्म पे, तो इस प्लेटफॉर्म को जगती कहा, और जगती एक प्लिंथ हाइट पर डेवलप है, और इस प्लेटफॉर्म तक पहुंचने के लिए बहुत सारी मल्टीपल स्टेयर्स को हम कंस्ट्रक्ट किया गया है यहाँ पर। तो दो बहुत मेन पॉइंट क्लियर हुए। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो जगती पर जब चले गए तो उसके मंदिर में एंट्रेंस करने के लिए, जो ये मेन मंदिर का जो मेन स्ट्रक्चर है, इसमें एंट्रेंस करने के लिए हमें एक बहुत बड़ा एक सामने हॉल मिलता है। ये लगभग सभी मंदिरों में ऐसा होता है, जो नॉर्थ स्टाइल टेंपल आर्किटेक्चर पर डिज़ाइन है उन्हीं सभी मंदिरों में ऐसा देखने को मिलता है। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा प्रेयर हॉल है, तो इस प्रेयर हॉल को, ये जो है ये बहुत बड़ा प्रेयर हॉल है, यहाँ पे इसे मंडपा का है, तो ये मंडप है। नॉर्थ इंडिया में जो टेंपल आर्किटेक्चर है, इस प्रेयर हॉल को 3 सब डिवीज़न में डिवाइड किया गया है। तो पहला जो सब डिवीज़न है इसे कहा है अर्धमंडप, तो ये हुआ अर्धमंडप। जो बीच वाला है ये थोड़ा अर्धमंडप से ये बड़ा है, ये थोड़ा सा असेंडिंग ऑर्डर में, मतलब सबसे पहला, सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा, तो ये हुआ अर्धमंडप। बीच वाला हुआ मंडप, जो उसका नाम ही मंडप है, और थर्ड वाला हुआ महामंडप। तो ये क्योंकि सबसे बड़ा है तो ये महामंडप हो गया। तो ये पूरा जो हॉल है इसको मंडप कहा, और इसको 3 सब डिवीज़न में डिवाइड कर दिया, पहला अर्धमंडप, सेकंड मंडप, थर्ड, तीसरा महामंडप। जैसे हम बात इसमें करते हैं, तो ये मंडप है, ये एक लार्ज प्रेयर हॉल है, इन फ्रंट ऑफ गर्भागृह। गर्भागृह क्या है अभी डिस्कस करते हैं। तो इस मंडप को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, पहला अर्धमंडप, दूसरा मंडप, और तीसरा महामंडप। महामंडप इसमें सबसे बड़ा मंडप होता है। अच्छा, इसमें एक चीज़ नोटिस करने वाली बात यह है, नॉर्थ स्टाइल में जो ये मंडप है, इन ये प्लेन मंडप नहीं है, इनके ऊपर कुछ स्ट्रक्चर है, ये टावर लाइक स्ट्रक्चर इन यहाँ पर डेवलप किए गए हैं, और ये इनकी हाइट कम रहती है, जैसे कि अर्धमंडप की सबसे कम हाइट रहेगी, मंडप की थोड़ी बीच की हाइट रहेगी, और महामंडप की सबसे ऊपर हाइट रहेगी। सिर्फ मंडप में ये हाइट इस वाले टावर से ज़्यादा नहीं होगी। अब ये टावर क्या है ये डिस्कस करते हैं हम। तो मैं सब मिटा देता हूँ। अब आगे बात करते हैं गर्भागृह की। ये गर्भागृह एक बहुत मेन चीज़ है। ये क्या चीज़ है, एक छोटा सा चैम्बर है, ये जो डॉटेड लाइन में एक चैम्बर है, एक छोटा सा चैम्बर है, इसी के अंदर, इसी चैम्बर के अंदर ये द आइडल ऑफ गॉड, आइडल ऑफ गॉड जो भगवान की मूर्ति या जिस भी भगवान की हम पूजा करेंगे उस मंदिर में, तो ये उनकी तस्वीर या मूर्ति इसी गर्भागृह में रहती है। तो ये एक छोटा सा चैम्बर है जिसमें मूर्ति रहेगी। अच्छा, इस गर्भागृह में क्या है कि इस गर्भागृह में सिर्फ प्रीस्ट लोग, जो पुजारी लोग हैं, उन्हीं को एंट्रेंस मिलती है, बाकी के आम लोगों को कोई एंट्रेंस नहीं है। जो कॉमन पीपल है, जनरल पीपल है, उनको पूजा करनी है तो ये प्रेयर हॉल में आके पूजा करें, भजन करें, कीर्तन करें, जो भी एक्टिविटीज़ हैं मंदिर में होने के लिए, तो सारी ये गर्भागृह के सामने वाला प्रेयर हॉल, जिसे हम मंडप कह रहे हैं, तो इस मंडप में आके करें। तो ये दो चीज़ क्लियर है, मंडप क्या है, प्रेयर हॉल है, और गर्भागृह क्या है, ये एक छोटा सा चैम्बर है, इट्स अ स्मॉल चैम्बर। अगर एग्जाम में आएगा तो ऐसा लिखना, इट्स अ स्मॉल चैम्बर दैट कंटेन द आइडल ऑफ गॉड, इट्स सिंपल, बस इसकी यही मेन डेफिनेशन है इसमें, आइडल ऑफ गॉड। और यहाँ पे सिर्फ प्रीस्ट लोग, जो पुजारी हैं, जो उस मंदिर में पूजा करते हैं, तो सिर्फ उन्हीं को ही एंट्रेंस की परमिशन है इस मंदिर में, और कोई नहीं जा सकता इस चैम्बर में। तो इसको गर्भागृह कहा। गर्भागृह हमें, ये संस्कृत का वर्ड है जिसका मतलब सिंपल सा, हिंदी में अगर इंग्लिश में बात करेंगे तो वोम्ब, जो गर्भ होता है, जिसमें एक ये वोम्ब, जैसे वुमेन में वोम्ब होता है जिसमें एक बेबी रहता है, तो ये वही वोम्ब की बात हो रही है। तो गर्भ, तो इसे गर्भ कहते हैं हिंदी में, तो ये गर्भागृह। तो ये रहा। अगर थर्ड पॉइंट है हमारा अंतराल, तो अंतराल क्या है, ये हमारा प्रेयर हॉल हो गया और ये गर्भागृह हो गया। तो एक छोटी सी टनल रहेगी जो प्रेयर हॉल को गर्भागृह से कनेक्ट करेगी, तो ये कनेक्टिंग टनल को ही हम अंतराल कहते हैं। ये जो अंतराल है यही हमारी कनेक्टिंग टनल है, जो गर्भागृह को मंडपा से, जो कि प्रेयर हॉल है, उससे कनेक्ट करती है, एक कनेक्टिंग टनल है ये है।
नेक्स्ट इमेज में देखते हैं, तो अगर यहाँ से एंट्रेंस है मंदिर के अंदर, तो ये हमारा सबसे पहले पड़ेगा अर्धमंडप। अर्धमंडप जिसको ये शेडेड रीजन है, इसके ऊपर ये मेन मुख्य मंडप जो कि महामंडप और मुख्य मंडप, ये इसी में इंक्लूड है। तो ये विष्णु टेम्पल का एग्जाम्पल दिया गया है इसमें। इसके बाद ये छोटा जो चैम्बर है ये गर्भगृह है। गर्भगृह में ये एक छोटा सा आइडल ऑफ गॉड रखा हुआ है, और इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए एक टनल यहाँ पर रहती है, जिसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अंतराल। ये अंतराल है। इसके बाद हम शिखारा के बारे में बात करते हैं। तो ये शिखारा, शिखारा को बेसिकली टावर, क्या टावर है? मैं इसको इरेज कर देता हूँ। तो ये गर्भगृह के जस्ट ऊपर एक टावर कंस्ट्रक्टेड रहेगा। तो ये टावर एक माउंटेन लाइक टावर है, जो कि ऊपर में जाके टेपर हो रहा है, और ये सर्कुलर बेस है। अगर इसका बेस की बात करें तो ये सर्कुलर इन बेस है। तो ये टावर को शिखारा कहा गया। अच्छा, ध्यान रखना है, शिखारा सिर्फ नॉर्थ इंडियन में इसे शिखारा गया है, कहा गया है। तो नॉर्थ इंडियन टेम्पल आर्किटेक्चर में इसे कहा गया है शिखारा, और साउथ में जो साउथ इंडियन टेम्पल आर्किटेक्चर है उसमें इसको कहा गया है विमान। उसका प्लान कुछ इस टाइप से, रेक्टेंगुलर इन शेप, जो कि अभी हम आगे बात करेंगे जब साउथ इंडिया वाले की बात करते हैं तब। तो अभी ये याद रखना है कि नॉर्थ इंडिया में इसको शिखारा कहा गया है। शिखारा के ऊपर एक अमलका, अमलका व्हाट इज अमलका, अमलका इज अ बेस प्लेट। ये एक सर्कुलर बेस प्लेट है जिसपे कलश रहेगा। अब कलश कैसा है, तो अगर हम इस वाले क्रॉस सेक्शन में बात करें तो ये हमारा स्ट्रक्चर, ये शिखारा हुआ, ये गर्भगृह के जस्ट ऊपर, मतलब ये अगर ये एक्सिस है, अगर ये एक्सिस है तो ये एकदम सेंटर से, गर्भगृह के सेंटर से जाएगी। तो इसी सेंटर एक्सिस के ऊपर शिखारा, शिखारा के ऊपर इस राउंड सर्कुलर बेस प्लेट जो कि अमलका, और अमलका एक बेस प्रोवाइड करती है कलश रखने के लिए। जो कलशा, कलश रखते हैं जो कि एक अच्छा चीज़ है हिंदू रिलीजन में, तो ये मंदिर के टॉप पॉइंट पे ये कलश रखा हुआ है। तो ये हमारे पॉइंट है जो कि अमलका, जो कि बेस प्लेट है जहाँ पे कलश रेस्ट करता है। और कलश क्या है, एक पोर्ट शेप्ड स्ट्रक्चर जो कि एक मटके की शेप का स्ट्रक्चर है। अमलका के ऊपर, अबव द अमलका, क्योंकि अमलका उसका बेस प्लेट है, तो अमलका के ऊपर वो मटका प्लेस किया गया है, विच फॉर्म द एपेक्स ऑफ द टेम्पल। एपेक्स क्या है, एपेक्स क्या है, तो टिप मोस्ट पॉइंट। अगर हम इस टेम्पल के टिप मोस्ट पॉइंट की बात करें तो ये टिप मोस्ट पॉइंट को एपेक्स कहा गया है। तो ये पूरे टेम्पल का एक एपेक्स, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा ऊंचा पॉइंट है, पूरे टेम्पल का मेन पॉइंट है, वो कलशा है ये। तो ये कलशा को फॉर्म करता है, ये अमलका पे रखा जाता है। ये कदरिया महादेव मंदिर का टेम्पल है। अच्छा, मैं इसके एग्जाम्पल बता देता हूँ कि जो बहुत पॉपुलर इस स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर में देखने को मिलेंगे हमें मंदिर। तो सबसे पहले कंदरिया महादेव मंदिर, क्योंकि बेस्ट एग्जांपल है नगर टेंपल आर्किटेक्चर के लिए। अगर आपसे पूछा जाता है कि कुछ एग्जांपल बताइए, तो सबसे पहले तो इसे कंदरिया महादेव मंदिर, जो कि एमपी के छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ेगा। और सेकंड टेंपल, जो सेकंड एग्जांपल है, सन टेंपल उड़ीसा का, क्योंकि ये बहुत फेमस टेंपल है, ये भी पता है। तो सन टेंपल भी नगर टेंपल आर्किटेक्चर पर बेस है। फिर थर्ड है लक्ष्मण टेंपल जो खजुराहो में है। तो ये कंदरिया महादेव मंदिर, ये कंदरिया महादेव मंदिर एकदम बेस्ट एग्जाम्पल माना जाता है नगर टेम्पल आर्किटेक्चर के लिए। तो सबसे पहले हम बात कर रहे थे कलशा, कलशा सबसे ऊपर टिप मोस्ट है, जो कि एपेक्स ऑफ द टेम्पल है। इसके ऊपर कलशा रेस्ट करता है एक अमलका पे, अमलका एक सर्कुलर राउंड बेस प्लेट। इसके बाद ये टावर है। व्हाट इज ये टावर, टावर इन सर्कुलर, इसका अगर बात करते हैं बेस, तो ये सर्कुलर बेस है इसका। तो इसे शिखारा कहा गया है नॉर्थ इंडिया में, इसे शिखारा कहा गया है ये नॉर्थ इंडियन टेम्पल आर्किटेक्चर में। ये कन्फ्यूज़न हो सकती है नॉर्थ इंडिया साउथ इंडिया के टेम्पल में, तो ये ध्यान देने वाली बात है कि नॉर्थ इंडिया में जो टावर है गर्भगृह के ऊपर, उसे शिखारा कहा गया है, और साउथ इंडिया में जो टेम्पल का जो टावर है उसे विमान कहा गया है। उसके बारे में अगली वीडियो में फर्दर डिस्कस करेंगे। तो ये क्या है, उरुशिखारा। उरुशिखारा क्या है, ये मेन शिखारा के साइड में सपोर्टिंग शिखारा है। ये भी शिखारा है, जो शिखर बोलते हैं इन्हें हिंदी में, शिखर संस्कृत में शिखारा। तो शिखारा है ये, साउथ में सपोर्टिंग साइड में सपोर्टिंग शिखरा है, जो कि उससे छोटा सा कम हाइट के रहते हैं, और थोड़ा एस्थेटिकली पर्पस के लिए कंस्ट्रक्ट किया गया है।
इसके बाद ये अंतराला, तो अंतराल क्या है, ये अंतराल के ऊपर का स्ट्रक्चर है, जो इसके अंदर अगर मंदिर में अंदर देखेंगे तो यहाँ पे एक टनल प्रोवाइड रहेगी, जो कि ये गर्भगृह, गर्भगृह मंदिर के अंदर है, बाहर से ये तो बाहर की इमेज है, बाहर से तो नहीं दिखेगा, तो ये गर्भगृह लिखा है, ये मंदिर के अंदर कुछ इसी तरफ, क्योंकि ये एपेक्स है तो इसी सेंटर में नीचे की तरफ यहाँ पे कुछ रहेगा गर्भगृह, तो उसी गर्भगृह को कनेक्ट करती है ये वाली टनल, मैं यहाँ पे यहाँ समथिंग हेयर कुछ एक टनल रहेगी जो कि कनेक्ट करती है मंडपा को। ये तीनों मंडप हैं, ये महामंडप, ये मंडप, ये अर्ध मंडप, अर्ध मंडप सबसे छोटा जो डिस्कस कर रहे थे, तो ये कनेक्ट करती है टनल इस मंडप को किससे, गर्भगृह से। इसके बाद ये पूरा एक जो मंदिर है ये एक प्लेटफॉर्म पर है, ये जो प्लेटफॉर्म है इस प्लेटफॉर्म पर कंस्ट्रक्ट किया गया है, तो प्लेटफॉर्म थोड़ा सा जमीन से जो ग्राउंड लेवल से थोड़ी सी हाइट पर है, तो इसे रेज्ड प्लेटफॉर्म कहा गया, प्लेटफॉर्म ऊपर उठ गया और इसको कहा जगती, इस ऊंचे उठे हुए प्लेटफॉर्म को जगती कह दिया। और इस मंदिर में बेसमेंट है जिसे कहा अधिस्तना, जो इस मंदिर का बेसमेंट है वो अधिस्तना कहा। तो ये एक बेस्ट एग्जाम्पल है, इसी अगर आप बना सकते हो डायग्राम तो ये वाला डायग्राम बना सकते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कि थोड़ा सा आसान पड़ेगा। तो ये बहुत मेन पॉइंट थे जो कि इस नगर टेम्पल आर्किटेक्चर में हम डिस्कस करते हैं। ये विष्णु टेम्पल भी है इसी का एग्जाम्पल, लेकिन जो मेन एग्जाम्पल हम बात कर रहे हैं कंदरिया टेम्पल की। तो इसी वीडियो में सिर्फ इतना, अभी हम नगर टेम्पल आर्किटेक्चर के बारे में हमने बात करी है, अभी नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे द्रविड़ियन स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर के लिए। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, थैंक यू।